ठीक है एम टू आर से, उनको सम करो, इसी फॉर्म का आएगा पक्का, और इसी तरह का पॉलीनोमियल देगा, एट द मोस्ट 2 डिग्री का पॉलीनोमियल देगा, तो अंडर एडिशन क्लोज हो जाएगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में अल्फा टाइम ले लो, जब अल्फा टाइम लेंगे अल्फा ए बनेगा, अल्फा बी, अल्फा सी, अल्फा डी, तो ये बनेगा अल्फा सब में कॉमन आ जाएगा, यही बन जाएगी। समझे नहीं समझे? समझे आई थिंक। सीधी सी बात है, आप बेसिक फंडा मत भूलो, चाहे सामने हमें कितना बड़ा पहाड़ नजर आए, कितना बड़ा राक्षस नजर आए, आपका तीर उसे उड़ा सकता है अगर आपके अंदर बेसिक चीज है। एलटी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? एलटी की बेसिक डेफिनेशन में दो बातें पड़ी है, टी यू वन प्लस यू टू या टी यू प्लस वी। कैसे खुलेगा? टीयू प्लस टीवी, गया जमाना टीवी का, तो दो टी अल्फा यू, अल्फा बाहर आ गया, टीयू फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू कैपिटल यू डोमेन। मैं कैपिटल यू बोल रहा हूं, डोमेन से बोल रहा हूं, और फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, ये फील्ड से बोल रहा हूं। तो यहां UV किस टाइप के हैं? मैट्रिक्स टाइप के हैं। लेट UV किससे हैं? एम टू आर से हैं। सीधी सी बात है, देयरफोर U किस टाइप का होगा? ए बी सी डी टाइप का होगा, और V किस टाइप का होगा? ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश टाइप का होगा। ठीक है, तो हम पहली प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, और U प्लस V क्या बनेगा? A प्लस A डैश, B प्लस B डैश, C प्लस C डैश, D प्लस D डैश। क्यों? एडिशन ऐसे डिफाइंड है। किस में जाएगा ये? एम टू आर में जाएगा। क्यों जाएगा? एंट्री रियल है, दो रियल नंबर का सम रियल होता है, सीधी सी बात है। अब टी यू प्लस वी पे लगाना, जब टी यू प्लस वी पे लगाऊंगा मैं, तो रूल कैसा कहता है? रूल ये कहता है मैट्रिक्स का फर्स्ट अपर लिखा जाएगा एज इट इज, मतलब ए प्लस ए डैश एज इट लिखा जाएगा, प्लस ये ऐड हो जाएंगे, मतलब बी प्लस सी, बी डैश प्लस सी डैश, बाहर आ जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस इसके साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इसके दो टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े कैसे किया? ए बी प्लस सी एक्स, आई कैन राइट दिस ए डैश, नहीं 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 फीलिंग नहीं आया, डी एक्स स्क्वायर। पहले एक पैटर्न बना लो ना, ये तो एक टुकड़ा हो गया, फिर आ गए ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश एक्स प्लस डी डैश एक्स स्क्वायर, ये हो गया सेकेंड टुकड़ा। और ये क्या है? टी ऑफ यू है। ये क्या है? टी ऑफ वी है। खुल गया, अंडर एडिशन क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, इसको फील करना है पहले, क्योंकि फिर इससे पूछेगा बेसिस डायमेंशन कहां जाएगी, एल टी वन वन है, ऑन टू है, सारी बातें पूछेगा ये, वन वन है, ऑन टू है, क्या है क्या नहीं है, सब पूछेगा ये, ठीक है ना। तो ये आपको फील करना है भी क्या होता है क्या ना होता है। रूल ये है, पहले है ए वन वन, फिर ए वन टू और ए टू वन, एड होके एक्स लगता है, फिर ए टू टू के साथ है एक्स स्क्वायर है, ये रूल है जो आपके सामने लिखा पड़ा है, ठीक है। अब अल्फा यू कितना आएगा? अल्फा यू आएगा अल्फा ए, अल्फा बी, अल्फा सी और अल्फा डी।
अब टी लगा के देखो इस पे, टी ऑफ अल्फा यू, मतलब क्या आएगा? रूल क्या कहता है, पहले ए वन वन मतलब अल्फा ए प्लस अल्फा बी प्लस अल्फा सी एक्स, फिर उसके बाद अल्फा डी एक्स स्क्वायर, फिर सारे के साथ अल्फा बाहर आ गया, अंदर आ गया ए बी प्लस सी एक्स डी एक्स स्क्वायर, और ये क्या है अल्फा टी ऑफ यू है, हैंस प्रूव हो गया फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड यू बिलोंग्स टू यू, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, ऐसे सवालों में एल टी प्रूव करते हो तो घबराना नहीं है, कोई और चीज दे दे तो। समझ आ गया जी? यस सर। यस सर। सर इसको उल्टा भी प्रूव कर सकते हैं, मान लो कि u प्लस t भी रहिए और t ऑफ u प्लस t प्लस करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ही में काम चला लो, दो बार मत लिखो, थ्योरम लगा लो। हाँ जी सर। कुछ मर्जी करो, जो तुम्हारा दिल करे। फिर बोलोगे दिल का क्या करे साहिब, क्या करे, जो तुम्हारा दिल करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। क्या है अब है ना, ये लास्ट के तीन क्वेश्चन 15, 16, 17 एक जैसे हैं, मैं एक करवा देता हूं, बाकी आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये मैं एक्सरसाइज फर्स्ट का काम करवा रहा हूं, एक्सरसाइज का फर्स्ट का एक एक क्वेश्चन अपनी कॉपी पे कर लेना ध्यान से। इसने रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स भी बताई हुई है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स भी बताई हुई है, कई मैट्रिक्स बताई हुई है, इंटीग्रेशन मैट्रिक्स बताई हुई है, कई बताई हुई है, एक एक क्वेश्चन हीरे मोती जवाहरात है, ध्यान से करना, कभी ऐवे सोचो इसको। आगे बोल रहा है ये, कंसीडर द लीनियर मैप, कंसीडर द लीनियर मैप, लीनियर मैप कौन है, टी, कहां से कहां तक है, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर तक है, कैसे डिफाइंड है, डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू 3x प्लस 5y 2x प्लस 3y एट द यूनिट सर्कल कौन सा होता है जिस सर्कल की रेडियस 1 हो, मतलब उसकी नोटेशन दी है एस से, स्फीयर भी कहते हैं लोग इसको, मतलब वो सारे पॉइंट कलेक्शन जो सर्कल की बाउंड्री पर आते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, उन्हीं कलेक्शन है यूनिट सर्कल। किस में है यूनिट सर्कल, आर स्क्वायर में, मतलब प्लेन में है, डोमेन में है ये यूनिट सर्कल, या कहीं भी हो सकता है, कोडोमेन में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ डोमेन और कोडोमेन क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। आप तुरंत मतलब निकालिए, एक एल टी है और ये एल टी कौन सी है, टी दिखाई दे रही है हमें, एल टी है ये, किस लॉजिक से दिखाई दे रही है, सोचो इत्मीनान से, सोचो लॉजिक क्या है, क्यों है ये एल टी, ठीक है। तो एक स्फीयर है, सर्कल है, किसमें, आर स्क्वायर में, डोमेन भी हो सकता है वो, कोडोमेन में भी हो सकता है। देन फाइंड एक तो उसकी डायरेक्ट इमेज बतानी है, मतलब एक तो डायरेक्ट इमेज बतानी है एस की, इसको क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट इमेज ऑफ एस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस, मतलब एस कहां जाके मैप होगा, पहला सवाल। दूसरा टी इनवर्स एस, मतलब यूनिट सर्कल की इनवर्स इमेज वो बतानी है,
आंसर्स नहीं है, दो क्वेश्चन है इसके। एक क्वेश्चन क्या है इसकी, डायरेक्ट इमेज बताइए टी की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनवर्स इमेज बताइए इसकी क्या बनेगी। टी एस का मतलब क्या है, मतलब इस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत ये सर्कल है जिसका रेडियस एक है, जिसका रेडियस एक है, वन है, ये इसकी बाउंड्री के पॉइंट है, ये 1 0 है, ये -1 0 है, ये 0 आई है, ये 0 माइनस आई है। कहता है अगर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दूं, मैं इसके ऊपर टी लगा दूं, तो इसके बदले में हमें कौन सा डायग्राम मिलेगा, कौन सा फिगर मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन ये है, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। हाँ जी, समझे कुछ क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को समझे, क्योंकि जो टी एस का मतलब क्या है, एस में क्या है, एस में ये पॉइंट है भाई, एस में ये पॉइंट है, मतलब एस के ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन पॉइंटों के बदले क्या मिलेगा, इन पॉइंटों के बदले क्या मिलेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि पॉइंटों के बदले पॉइंट मिलेंगे, पॉइंटों के बदले पॉइंट मिलेंगे, समझ में आ रही बात। हाँ जी, क्लियर है। यस सर। हाँ तो कैसे करेंगे, पुट कर दो 1 0 एक्स वाई की जगह 0 1 माइनस 0 माइनस। कितने पुट करें ऐसे, ये फिगर मांग रहा है ना पूरा, चारों चार पुट करके चार पॉइंट आ जाएंगे करस्पोंडिंग। हाँ बस चार पॉइंट मिलेंगे, फिर उससे डायग्राम करना जाए कैसे लगे। सेंटर तो 0 0 रहेगा ना सर। हाँ और एक्स एक्सिस गोरिन को कहाँ कट करेगा वो आ जाएंगे फिर। हेलो सर। हाँ हेलो सर, ये जो पॉइंट है ये 0 आयोटा होंगे, 0 माइनस आयोटा, ये आर स्क्वायर है ना। सॉरी 0 1 0 माइनस 1, गलत कह रहा हूँ, ये माइनस आई बोलते ज्यादा बेटर था, ये पॉइंट होंगे 0 1 0 माइनस 1, ठीक कर लो, इसको माइनस आई बोल देंगे, ये होंगे आर स्क्वायर है ना, किसी स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, टी ऑफ एस बताओ, सोचो। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हमने ये यूज करनी है, ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन का सारा लेना है। देखो सोचो, सीधी सी बात है, मतलब इत्मीनान से सोचा करो, टी एस के ऊपर लगाई, ठीक है, मतलब मैं टी किस पे लगा रहा हूं, अब एस का मान रख दो, एक्स वाई पे लगा रहा हूं, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब टी एक्स वाई पे लगाता हूं तो वो आता है, कंडीशन डाल दी इसने भाई, आपने
ये नहीं देखना सारे पॉइंट नहीं देखने प्लेन के, ये तो सारे पॉइंट है, ये तो सारे पॉइंट आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है, आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा देश है, ये तक मेंढक है छोटा सा जो बाउंड्री बाउंड्री है, जैसे श्रीलंका देश है, लटकता हुआ देश है, ऐसे लगता है जैसे कोई मेंढक लेटा पड़ा हो इंडिया के पैरों में, तो ऐसा है, तो छोटा सा है, आर स्क्वायर में सारे पॉइंट आएंगे, लेकिन सर्कल की बाउंड्री को कुछ पॉइंट आएंगे, उनकी इमेज बतानी है, पूरे आर स्क्वायर की इमेज थोड़ी बतानी है, पूरे आर स्क्वायर की इमेज, इमेज का मतलब है रेंज, पूरे आर स्क्वायर की रेंज तो पूरा आर स्क्वायर आएगा, लेकिन सर्कल की इमेज बतानी है, सर्कल के बदले क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेंगे ये जरूर पता है, ठीक है। तो मान लेंगे हम क्या मिलेंगे, यूवी, तो हमें क्या मिलेंगे, यू कोमा वी मिलेंगे, ठीक है, सच दैट जो टी एक्स वाई है वो किसके बराबर है, यूवी के बराबर है, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, वन है, ये मैंने इसी बात को एक्सटेंड कर दिया ना, मेरा लिखने का वही तरीका है, क्योंकि भाई आर स्क्वायर में डोमेन के पॉइंट किस टाइप के होंगे, टपल टाइप के होंगे, को डोमेन के पॉइंट किस टाइप के होंगे, टपल टाइप के, वही तो लिखे हैं, टू टपल लिखे हैं। अब क्या करना है, टी एक्स वाई किसके बराबर है, ये वैल्यू लिखो, मतलब मैं इसको खोल के लिखूंगा यूवी, सच दैट टी एक्स वाई की वैल्यू डाल दो, थ्री एक्स प्लस फाइव वाई, टू एक्स प्लस थ्री वाई किसके बराबर, यूवी के बराबर, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, वन है, ठीक है, चलते जाइए चलते जाइए और खेल देखते जाइए, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं नेट में, और ये देखो एक्सरसाइज में डाल रखे हैं क्वेश्चन, मतलब आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि आपको वर्कआउट करना आ जाए इसके ऊपर, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो यहां से एक्स वाई की वैल्यू डाल के रख दो, क्योंकि यूवी में रिलेशन चाहिए ना मुझे, मतलब क्या लिखूंगा मैं, वो यूवी आएंगे, सच दैट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, देखो थ्री एक्स प्लस फाइव वाई यू के बराबर है, और टू एक्स प्लस थ्री वाई वी के बराबर है। मैं एक्स का वैल्यू निकालना चाहता हूं, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इस इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई करो, इसको फाइव से घटा दो, नाइन थोड़ा मेथड लगा दो, सेकंड को तो ये फर्स्ट है सेकंड है, सेकंड को तो करो फाइव से और उसको करो टू से, फर्स्ट को थ्री से सॉरी फाइव से करेंगे तो टेन एक्स फिफ्टीन वाई बराबर है फाइव वी, इसको करो थ्री से नाइन एक्स प्लस फिफ्टीन वाई थ्री यू, घटा लो तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, फाइव वी माइनस थ्री यू, ठीक है, सब्स्टिट्यूट लगा लो, फर्स्ट में पुट कर दो वाई का आ जाएगा, तो एक्स की जगह पुट करो फर्स्ट में फाइव वी माइनस थ्री यू प्लस फाइव वाई इक्वल टू यू, मतलब फिफ्टीन वी माइनस नाइन यू प्लस फाइव वाई इक्वल टू यू, उधर ले जाओ फाइव वाई बराबर है माइनस फिफ्टीन वी प्लस का टेन यू, कट कर लो वाई बराबर है माइनस थ्री वी प्लस टू यू, बस ये वैल्यू डाल दो, एक्स की जगह क्या पुट करो, ये वाली क्वांटिटी यहां, मतलब क्या पुट करो एक्स की जगह, फाइव वी माइनस थ्री यू का होल स्क्वायर प्लस, और v की जगह माइनस थ्री वी प्लस टू यू का होल स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसे खोल लो, खोल लो,
कोर लो, इसको कोर लो, जब हम इसे खोल लेंगे तो क्या मिलेगा, 25v² + 9u² -30uv + 9v² + 4u² - 3×6×12 12uv = 1। ये मिल गया 25, 9, 34, मतलब uv = 34। पहले u लिख लो ना, सिमेट्री नजर आए, u लिख लो पहले, u लिखोगे तो 9 और 4, 13, 13u² फिर लिखो v, 25 and 9, 34v² फिर लिखो uv, -42uv = 1। ये मिलेगा, सही आ रहा आंसर। हाँ जी सही है। yes, sir. Yes, sir. हाँ आप इस इक्वेशन को चेक कर सकते हो, किसकी इक्वेशन है ये, क्या सर्कल है ये, क्या ये प्रेजेंट करता है सर्कल को, बताइए, थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करिए। नहीं करता, नहीं करता, क्यों नहीं करता, सर्कल में यूवी नहीं आता सर, मल्टीप्लाई नहीं आता, यूवी नहीं आता, ठीक है, क्या एलिप्स को करता है? नो सर। पैराबोला को? नो सर। नहीं करता। हाइपरबोला को? नो सर। फिर किसको करता है सर? ये स्क्वायर ऑफ स्ट्रेट लाइन को? नो नो सर। फिर किसको करता है? जो किसी में यू भी नहीं आता। क्योंकि ये सारा काम है प्लस टू का है, या ग्रेजुएशन का है, एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है, कॉनिक सेक्शन को प्रेजेंट करती है या फिर स्ट्रेट लाइन को, वो डेल्टा निकालते थे, h² - ab निकालते थे, वो सारा, ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा, उसमें h² = आता था ab। चलो चेक कर लेना इसको, जो सेकंड ईयर थोड़ा पढ़ लेना सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में, तीन चार बातें। सर्कल तो इसलिए करता क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल नहीं है, ठीक है, वो कंडीशन होती है तीन चार, उनको चेक कर सकते हैं, तो इसके बदले में हमें डायग्राम मिलेगा सर्कल की बाउंड्री के बदले में, और इक्वल भी और वन के बराबर होना चाहिए ना, क्या सर्कल में कोफिशिएंट बराबर और इक्वल टू वन होना चाहिए x² वाई, सर्कल में एक्स वाई की टर्म प्रेजेंट भी नहीं होती, वो गायब होना चाहिए, सर्कल की कंडीशन क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ x² कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल होते हैं और कोई एक्स वाई की टर्म प्रेजेंट नहीं होती, मैं कह रहा हूँ इक्वल वन के बराबर होनी चाहिए ना, ना सर्कल अलग भी रेडियस का भी तो हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ x² y² वन हो जरूरी नहीं है, टू भी हो सकते हैं, टू ले लो, टू से डिवाइड कर देगा ना, फिर कॉमन लेके जब सेंटर रेडियस निकाल लेंगे, कुछ मर्जी हो उधर चला नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट इमेज ऐसे निकलेगी हर क्वेश्चन की, जो तीनों क्वेश्चन दे रखे हैं डायरेक्ट इमेज ऐसे ऐसे निकलेगी, अब है इनवर्स इमेज है वो कैसे निकलेगी, टी इनवर्स एस,
कैसे मिलेगी? कैसे निकालोगे बेटी इनवर्स एस, बताओ मुझे। पहले सर टी इनवर्स डिफाइन करना पड़ेगा ना। हाँ, पहले टी इनवर्स है निकालना पड़ेगा। और टी इनवर्स कैसे निकलेगा? पहले टी को इनवर्टिबल दिखाना पड़ेगा सर। इन्वर्टिबल का चैप्टर हम आगे जाके करेंगे इसको 1, 1, 1, 2 सारी चीजें करके, लेकिन फिलहाल के लिए इनवर्स निकालने का तरीका बताओ। जैसे क्योंकि हम बाद में करेंगे, पहले 1, 1, 1, 2 दिखाने का तरीका नेक्स्ट एक्सरसाइजों में जाके आएंगी ये बातें। फिलहाल तो हमें ये दे रखा है टी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 3x + 5y और कॉमा 2x + 3y। तो मैं इसका टी इनवर्स निकालना चाहता हूं। तो क्या है, मान लेते हैं, मान लेते हैं इसका ए बी के इक्वल मान ले सर। हाँ, तो वहां से एक्स वाई की वैल्यू ए बी में निकाल लेंगे। यस सर, मैट्रिक्स बना के और फिर उसका इनवर्स लेके नहीं कर सकते? उससे भी कर सकते हो, उसे शॉर्टकट पड़ेगा। तो टी इनवर्स एक्स वाई क्या मान लेंगे? ए बी, क्योंकि टपल ही आएंगे ना, क्योंकि आर स्क्वायर में ही आएगी इनवर्स इमेज, क्योंकि डोमेन कोडोमेन बन जाएगी, कोडोमेन डोमेन मतलब इनवर्स फंक्शन बन जाएगा ना ये। तो एक्स वाई किस बराबर आएगा? टी ए बी। और टी ए बी देखें तो कितना है, 3a + 5b कोमा 2a + 3b, यही आएगा। तो x कितना है, 3a + 5b और y कितना है, 2a + 3b। a की वैल्यू कितनी आएगी? a की वैल्यू वही आएगी जो u की वैल्यू आई थी, क्योंकि ऐसे तो निकाला था हमने u। बताना जरा a की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ भाई। जितना u निकालना था ऐसे निकालता, यू 3 से गुणा करके 5 से गुणा करके कितना है यू? 5v - 3u 5v - 3u 5y। हाँ सर, 5y आ जाएगा -3x। हाँ, b कितना आएगा? -3y + 2x। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकाल लिख दो। मतलब टी इनवर्स एक्स वाई कितना है? टी इनवर्स एक्स वाई है 5y - 3x - 3y + 2x। ठीक है, समझा गया? हाँ, लेकिन हमें तो है ना टी इनवर्स एस बताना है। हेलो सर, तो मैंने टी इनवर्स एक्स वाई बता दिया मैंने। सर एक्स एंड वाई पर कंडीशन भी तो है, x² + y² = 1। हाँ, तो डायरेक्टली ऊपर वाले वैल्यूज को स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे तो उससे भी आ जाएगा ना सर। हाँ, 3a + 5b² + 2a + 3b² = 1। देखो देखो, मतलब जब हम टी इनवर्स एस देखेंगे तो टी इनवर्स एस में क्या आएगा, वो ए बी आएंगे, वो ए बी आएंगे सच दैट जो x² + y² = 1 सही कहा आपने। तो ए बी की वैल्यू रख दो यहां पर, जो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 5y - 3x और बी की वैल्यू कितनी है, -3y + 2b। तो यहां से एक्स वाई निकाल के रखो, यही कह रहे थे ना।
नो सर, एक्स एंड वाई की वैल्यू तो ऊपर आपने लिखी हुई है ना सर, उसको डायरेक्टली स्क्वायरिंग एडिंग कर देंगे। लिख दो। हाँ डायरेक्टली लिख दो तो कितनी आएगी, 3a + 5b का होल स्क्वायर प्लस 2a + 3b का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। करना सॉल्व। सर 13a² प्लस 34b² प्लस 42ab इक्वल्स टू 1 प्लस 42ab। हाँ इक्वल टू 1 कर रहा है मैचिंग। यस सर। मतलब ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है इसका, ज्योमेट्रिकली मीनिंग ये है एक प्लेन में हमें आर स्क्वायर दे रखा है, ये आर स्क्वायर है, इसमें एक सर्कल गिवन है, ये जब मैं मैप लगा रहा हूं कौन सी टी इनवर्स, तो क्वेश्चन है आर स्क्वायर में इसके बदले में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आर स्क्वायर में इसके बदले में, ये मिलेगा सर्कल की बाउंड्री के पॉइंट से, ये तो टी इनवर्स लगाने के बाद क्या मिलेगा, पिछले क्वेश्चन में क्या था टी लगाने के बाद क्या मिलेगा, तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। हाँ जी समझ गए सभी। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, जो 16वां क्वेश्चन है आपको ट्राई करना, 17वां क्वेश्चन है आप 2-5 मिनट लगेंगे, फटाफट बता दो, पक्का हो जाएगा क्वेश्चन ये 17th, क्योंकि एक बार ना अपने हाथ से कर लोगे पक्का हो जाएगा। लेट एच बी द प्लेन, और उस प्लेन का नाम लिखा है x + 2i - 3z इक्वल टू 4 इन आर क्यूब, मतलब ये आर क्यूब में कोई प्लेन है, एंड लेट टी ऑफ x, y, z ये है पहला टप्पल x + y + z, y - 2z, y - 3z देन फाइंड, पहली प्रॉब्लम है टी ऑफ एच, दूसरी प्रॉब्लम है टी इनवर्स एच, करिए फाइंड आउट 5 मिनट में। सर
पी ऑफ एच की वैल्यू किसी की सोल्व हुई है? हेलो, हेलो हेलो मैम, हाँ मैम सॉल्व हुई है। कितना आया मैम आपका? U माइनस 3 प्लस 2W इक्वल टू 4। मेरा भी यही है। हाँ यही आया है। ठीक है मैम। हेलो, नो मैम मेरा तो आ रहा है। मैम कितना आया है टीन वर्स एच? मैम इसका आया है एक्स प्लस सिक्स जेड इक्वल्स टू 4। हेलो, हाँ जी यही आया है मैम। एक्स वाई के टर्म में? हाँ एक्स वाई के टर्म में आ रहा है एक्स प्लस सिक्स जेड इक्वल्स टू 4। यस मैम। मेरा आया है एक्स माइनस 12 जेड। ऊपर चेक कर लीजिए मैम। x माइनस सिक्स जेड इक्वल टू 4 यही आया ना? x प्लस सिक्स जेड इक्वल टू 4 आ रहा है मैम। प्लस, हाँ प्लस, ठीक है ठीक, 9 प्लस, ओके। आ गया है सबका? हेलो।
हाँ वही प्रोसेस है सेम एच में, मतलब मैं इसको एच को लिखने का तरीका क्या है, जैसे मैंने एस लिखा था मैं एच को ऐसे लिख सकता हूं एक्स वाई जेड सच दैट एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू फोर, वही तरीका है टी ऑफ एच लगाऊंगा, मतलब टी ऑफ एक्स वाई जेड लगाऊंगा सच दैट एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड इक्वल टू फोर, इसको क्या मान लूंगा ए बी सी, वही तरीका है बस। इसको मैं मान लूंगा ए बी सी, लेट टी एक्स वाई जेड है किस तरह मान लूंगा ए बी सी के बराबर, फिर यहां टी एक्स वाई जेड की वैल्यू रख के ए बी सी के टर्म में निकाल लूंगा एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रख दूंगा आंसर, पहले इनवर्स निकाल लूंगा टी इनवर्स वही ए बी सी लेके, जो ए बी सी की वैल्यू आएगी ना वो डायरेक्ट पुट कर देंगे, बस ये तरीका जैसे पिछले सवाल में किया था, कोई भी स्टेप अलग नहीं है। मतलब वही के वही स्टेप आपके सारे, तो उस क्वेश्चन को आप कर लेना अच्छे से। तो अब मैं आगे चलता हूँ। हेलो सर। हाँ जी सर, टी एच और टी इनवर्स एच दोनों वेक्टर सब स्पेस नहीं होगा ना, जीरो जस्ट एक इमेज है, जस्ट एक इमेज है, इमेज वेक्टर स्पेस बनाए कोई जरूरत नहीं होती, इमेज है तो जस्ट एक वेक्टर स्पेस हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, यहाँ नहीं है ये सर। हाँ जी, ये क्रिस्टियन रोनाल्डो मस्केनर्स कौन है इस ग्रुप में, क्यों क्या हुआ, कुछ नहीं वो विदेश से अभी बुला रखा आपने। क्यों इंडिया में नाम नहीं हो सकते, इंडिया में नाम नहीं हो सकते तो गड़बड़ है, नाम पर ऐसे डाल रखा हुआ। आपने ही पहचाना, आपको इस नाम से कोई विशेष लगाव है भाई, लगाव नहीं पंकज ऐसे अभी देख रहा था ये कौन मोहम्मद के रेनर से इंग्लैंड क्रिस्टिना क्रिस्टिना है आगे, उसके आगे मस्क रेनर्स भी है ना, युवराज सिंह के पांच छक्के लगाए थे ना उसने, अच्छा वही है क्या, वो नहीं है कोई और है सर ये, नहीं सर आई एम वेरी एक्साइटेड, कौन है सर, मैं इंग्लैंड से नहीं हूँ, मैं बॉम्बे से हूँ। हाँ ये तो बॉम्बे से, अब इंग्लैंड से तो नहीं है ये, पंकज को मुंबई इंग्लैंड दिख गया सर, नहीं सर नाम है ना ये नाम बाहर का लग रहा था पूछ रहा हूँ। हाँ तो फिर नाम के पीछे का रहस्य क्या है क्रिस्टिना। सर नाम के पीछे तो कुछ रहस्य नहीं है सर, कर्नाटका में बॉर्न हूँ और फिर बॉम्बे आ गए, सर ने अच्छा ऐसे ही रह गया, मतलब ये कंफ्यूजन में है कि इंग्लैंड से क्या ताल्लुक है इस मोटर का, जो सर कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं होता तो अच्छा होता सर, मैं ये सोच रहा हूँ बाहर का बंदा कोई भी है हिंदी कैसे समझ रहा है, और हिंदी भी इतनी मस्त बोल रहा है जैसे हम नहीं बोल। हेलो सर। हाँ हेलो सर, टी इनवर्स एच की कितनी वैल्यू आई है, कितनी आई हुई टी इनवर्स की, एबीसी सच क्या के प्लस सिक्स सी इक्वल टू फोर। हाँ एबीसी सच दैट ए प्लस सिक्स सी इक्वल टू फोर, ये आ गई। थैंक यू सर। चलिए जो नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब पूरी एलटी इसके ऊपर डिपेंड करती है, जिसको ये टॉपिक नहीं आता उसको एलटी नहीं आती, ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है। क्या है इस टॉपिक का नेम, बार बार मुझे कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, इस टॉपिक का नेम है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स आपको ना एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। जैसे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपसे कंस्ट्रक्टर पूछी जाएगी तो आपको कुछ देना होगा, रिक्वायरमेंट देनी होगी। पहले प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारे पास ये है, जब भी हम टी की बात करते हैं, टी टी एक फंक्शन है, उसमें क्या होता है, एक डोमेन होता है, डोमेन है, यू है, वेक्टर स्पेस है अंडर द फील्ड एफ, और एक वी होता है, वी वेक्टर स्पेस है और द फील्ड एफ है, सेम फील्ड के ऊपर है, या ऑपरेटर भी हो सकता है यू टू यू, या लीनियर फंक्शनल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तीनों में से एक हो सकता है। तो हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, टी, मतलब मुझे टी का डिफाइनिंग फार्मूला बताना है, जैसे टी टी का डिफाइनिंग फार्मूला कि किस क्या फार्मूला आएगा उसका, ठीक है। या इसे हम कहते हैं कोडोमेन, कोडोमेन देखो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात क्या हो सकती है, डोमेन और कोडोमेन अलग अलग हो। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऑपरेटर हो। तीसरी बात क्या हो सकती है, लीनियर फंक्शनल हो, टी आई यू और एफ से लेकर एफ तक हो। तो तीन ही बातें हो सकती हैं आपके पास। तो इन तीनों बातों में हमसे वो मांगेगा कि आप एक एलटी बना के दो। हम आगे चल के इसके वन वन की बात करेंगे, ऑन टू की बात करेंगे, इनवर्टिबल की बात करेंगे, सारी बातें करेंगे, एडिशन की बात करेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे। तो सारे रूल आपको तब आएंगे जब आपको एलटी बनानी आती होगी, ठीक है। आपको टी बनानी आती होगी तो टी बनाने के लिए क्या क्या डालना पड़ता है उसमें, उसे हम कहते हैं रिक्वायरमेंट। आपको जो कुछ इनपुट देनी होती है उसे कहते हैं रिक्वायरमेंट, जरूरत। जरूरत क्या क्या है, जब कभी भी एलटी बनेगी बस दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, चीनी पत्ती और मिल्क की, ठीक है। वाटर तो चाहिए चाहिए, तो यहां टी बनाने के लिए किसकी जरूरत है, बेसिस ऑफ डोमेन। एक तो जरूरत पड़ेगी हमें हमेशा बेसिस ऑफ डोमेन की, ये पहली जरूरत है, ठीक है। एक उनकी इमेज, एक हमें क्या चाहिए, उनकी इमेज चाहिए, देयर इमेजेस। तो जब भी कोई हमसे एलटी कंस्ट्रक्ट करवा रहा है कि एलटी बना के दो, आप एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना के दो हमें, तो हम ये ढूंढेंगे क्या मुझे डोमेन के बेसिस पता है, क्या उसने कोई दे रखे हैं डोमेन के बेसिस। अगर दे रखे हैं तो आप वही लेंगे, अगर दे नहीं रखे हैं तो आप स्टैंडर्ड बेसिस लोगे। फिर उनकी इमेज क्या दे रखी है, क्या नहीं दे रखी, चाहिए, ये दो बातें चाहिए चाहिए। अगर आप आपके पास इनमें से एक भी गायब है तो एलटी नहीं बनेगी। तो दोनों बातें आपके पास होनी चाहिए, तो इन बातों को याद रखिएगा। एक तो जो डोमेन के बेसिस है, बेसिस कोई सिंपल नहीं होते, यहां होंगे मतलब ये बेसिस होंगे। एक उनकी इमेज, इमेज यहां मिलेगी जाके कहीं, मैप हो रहे जहां ये बेसिस, पहला बेस कहां ही मैप हो रहा है, दूसरा बेस कहां, तीसरा कहां, ऐसे तो हमें एलटी मिलेगी, ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो आप एक प्रोसीजर क्या लोगे, आप एक आर्बिट्री वेक्टर उठा के चलोगे डोमेन में से और उसको बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखोगे, ठीक है। और उनकी इमेज पता है, एलटी
बन जाएगी, बस सिंपल सा काम है। मैं एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन है इसकी। हाँ जी, इंट्रोडक्शन थोड़ी बहुत ही क्लियर है? यस सर। तो इसका प्रॉब्लम ये है, एक क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। लेट यू वन 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 माइनस वन, यू टू फोर वन वन, यू थ्री वन माइनस वन टू, बी ए बेसिस ऑफ आर क्यूब, बी ए बेसिस ऑफ आर क्यूब। उसने लिख के दे दिया ये बेसिस, आपको चेक करने की लोड़ नहीं है। आप अगर चेक करते कैसे करते, इनको कॉलम वेक्टर में लिख लो और ये चेक कर लो, क्योंकि आर क्यूब का डायमेंशन तीन है। क्या तीनों एल आई है? अगर ये तीनों एल आई है बेसिस है, अगर ये तीनों एल आई नहीं है तो बेसिस नहीं है। मतलब रैंक निकाल लो ना, चैप्टर टू का काम चलेगा। अगर रैंक थ्री आ गया तो बेसिस है, अगर रैंक थ्री से कम आया नॉट ए बेसिस। सीधी सी बात है, यहां तो इसने बोल दिया, तो हमें चेक करने की लोड नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट पूरी है हमारी, ठीक है। उसने हमारी जो कंडीशन थी टी बनाने के लिए, पहली कंडीशन दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। दूसरी कंडीशन कहता है, फिर आगे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, लेट टी जो ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है आपने, कहां से, आर क्यूब से लेकर आर स्क्वायर तक बनानी है। कैसे बनानी है? बी ए एल टी, मतलब एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी है आपने। कैसे बनानी है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सच दैट जो ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं मैं U1 पर, उसके बदले में क्या निकले, 1,0, और अगर मैं U2 पे लगाऊं तो उसके बदले में क्या निकले, 0,1। जब मैं U3 पर लगाऊं तो उसके बदले में क्या निकले, 1,1, ठीक है। पहले है ना, क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। आप क्वेश्चन का थीम समझ लीजिए पहले, थीम क्या है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें डोमेन पता है, आर क्यूब है, डोमेन आर क्यूब है, और को डोमेन पता है। को डोमेन का मतलब आउटपुट की सेट में आती है, आउटपुट आर स्क्वायर में आएगी, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट मुझे पता है, साधारण लोग नहीं है ये, बेसिस है, बेसिस पता है मुझे, बेसिस पता है। बेसिस में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, एक तो है यू वन, दूसरा है यू टू और तीसरा है यू थ्री। मतलब बेसिस में तीनों एलिमेंट है, मतलब बेसिस किस टाइप का है, बेसिस है ये रहा, रेड के अंदर है, ये बेसिस है। बेसिस में क्या क्या है, एक तो है यू वन, एक है यू टू, एक है यू थ्री, ठीक है। फिर यू वन कहां जा रहा है, उसने स्पष्ट लिखा हुआ है, यू वन जा रहा है, मतलब टी यू वन किस पे जा रहा है, 1,0 पर। टी यू टू किस पे जा रहा है, 0,1 पर। टी यू थ्री किस पे जा रहा है, 1,1 पर। देखो दो स्पष्ट बातें उसने कह दी है यहां पर।
तो हम है ना तुरंत रिक्वायरमेंट देखेंगे, रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या है, हमें क्या चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट, पहला कदम, बेसिस ऑफ डोमेन चाहिए। क्या हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हुई? यस, कोई शक नहीं है, ठीक है। फिर क्या चाहिए हमें दूसरी रिक्वायरमेंट? देयर इमेजेज, उनकी इमेज पता होनी चाहिए, पता है सबकी। तो दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हैं। अब एलटी बनेगी, एलटी बनेगी, ठीक है, शर्तिया बनेगी। ठीक है, अब कैसे बनेगी, किस तरह से बनाएंगे, अब प्रोसेस आएगा, प्रोसीजर क्या आएगा। अब प्रोसीजर पे ध्यान दीजिए, प्रोसीजर क्या होगा, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठा के चलेंगे डोमेन का। तो मैं जो लैंग्वेज लिख रहा हूं, इस लैंग्वेज को ध्यान में रखना एग्जाम के टाइम पे। पहले क्वेश्चन में थोड़ी सी मुश्किल आती है, उसके बाद बड़ा मजा आता है। कैसे बनाते हैं एलटी, मतलब वर्किंग प्रोसीजर क्या है, वर्किंग स्टेप्स क्या है, मतलब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर। क्या है लेट अस टेक एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट यू फ्रॉम द डोमेन, ठीक है, मतलब आर्बिट्री एलिमेंट उठा के चलो आप यू। आर्बिट्री एलिमेंट किस टाइप का होगा? यू एक्स वाई जेड टाइप का होगा, क्योंकि डोमेन कौन है, आर क्यूब है, यहां से उठाया। और आर क्यूब फील्ड क्या आपका, यहां पर फील्ड आर है, आर क्यूब और एक आर एक वेक्टर स्पेस है। अगर किसी वेक्टर स्पेस में बेसिस दिए हो हमें, कोई भी आप एलिमेंट उठाओ, आप बेसिस ऑफ डोमेन की टर्म में लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, ठीक है। आर्बिट्ररी एलिमेंट को क्या लिख सकते हो आप लीनियर कॉम्बिनेशन में, किसकी, बेसिस की, मतलब जो U को आप लिख सकते हो A टाइम U1, B टाइम U2, C टाइम U3, ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर स्पेस हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, वेक्टर स्पेस में ये थ्योरम थी। तो अब वैल्यू डालो देखो जो हमें मिलेगा क्या, एक तो ये इक्वेशन है मेन, ये तो मेन इक्वेशन है, स्टार है, स्टार है, यहां से एबीसी की वैल्यू मिलेगी इस इक्वेशन से, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमें कहां से मिलेगी, यहां से, दोनों तरफ टी लगा दो, टी साइड भी लगा दो, और टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एल टी है, तो स्केलर बाहर आते जाएंगे, ए टी यू वन, बी टी यू टू, सी टी यू थ्री, ठीक है, स्केलर सारे बाहर आएंगे। अब टी ऑफ यू वन की वैल्यू डाल दो, टी ऑफ यू वन की वैल्यू कौन है, वन जीरो, बी, टी ऑफ यू टू की वैल्यू कितनी है, जीरो वन, और टी यू ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी है, वन वन। सॉल्व कर लो इसको, जो पहला टप्पल आएगा ए प्लस सी, दूसरा टप्पल आएगा बी प्लस सी, ये बन गई मुझे टी एक्स वाई जेड, ठीक है। मुझे मतलब क्या है, अगर मैं टी लिखूं, मतलब ये है कि मुझे फाइनली ये निकालनी है, ये निकालनी है, कहां से कहां तक है ये, आर क्यूब से आर स्क्वायर तक। मेन फंडा क्या आया, मेन फंडा
सिर्फ तीन कैंडिडेट पर चल जाए हमें, वो तीन कैंडिडेट कौन कौन है, ए बी सी, अगर वो तीन कैंडिडेट हमें मालूम हो जाए तो हमारा काम हो जाए। अब ये बात है, ठीक है? तो यहां तक क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है। यस सर, क्लियर सर। तो फिर ए बी सी की वैल्यू निकालने वाला स्टेप और क्लियर कर लीजिए। तो हम ए बी सी की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करेंगे? स्टार से, स्टार इक्वेशन से निकलेंगे, कंपेयर करके थ्री इक्वेशन बनेगी। देखिए कैसे, देखिए अब मैं आपको एबीसी की वैल्यू निकालने का तरीका बता रहा हूं। यू की वैल्यू है एक्स वाई जेड, यू की वैल्यू रख दीजिए आर्बिट्ररी एक्स वाई जेड, ए टाइम यू वन मतलब वन वन माइनस वन, बी टाइम यू टू फोर वन वन, सी टाइम यू थ्री, सी टाइम यू थ्री का मतलब होता है वन माइनस वन टू, ठीक है? तो मुझे अब तीनों का, यहां ये है सी टाइम है, ये ए सी है। तो अब मैं आगे स्टेप करता हूं, तो इन टपल को आप क्या कर लीजिए, पहले एक बना लीजिए, राइट साइड में एक बनाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा मुझे a प्लस फोर बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी कोमा माइनस a प्लस बी प्लस टू सी, तो ये मिल जाएगा। अब आप कंपेयर कर लीजिए, जब आप कंपेयर करोगे तो मुझे पहली मिलेगी a प्लस फोर बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, दूसरी मिलेगी a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू वाई, माइनस a प्लस बी प्लस टू सी इक्वल टू जेड। अब मुझे ना a b c की वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड में। अब या तो आपके पास क्या है, तीन इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, ये इक्वेशन नंबर तीन है। ध्यान से सुनिए, एक मेथड तो आप सबको पता है, वो मेथड कौन सा है, आप फर्स्ट सेकंड में से ए कट कर लो, सेकंड थर्ड में से ए कट कर लो, बी और सी में दो इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सॉल्व कर लो, एक मेथड तो ये है। तो पहले b की वैल्यू आ जाएगी, फिर c की, b और c की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका हमें सबको पता है, लेकिन हम चाहते हैं नया तरीका। वो नया तरीका क्या है? नया तरीका है वही जो हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में किया था, a कोलन b करके। मतलब हम ये तरीका चाहते हैं कि फास्ट है ना, ये तरीका थोड़ा सा फास्ट है, वन फोर वन, वन वन माइनस वन, माइनस वन वन टू, यहां बी, बी क्या है एक्स वाई जेड है। मैं रिड्यूस सिस्टम बनाऊंगा अगर आपको याद हो, ठीक है? तो ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा वधिया है, बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इससे आपका थोड़ा टाइम बचता है, सिस्टमेटिक वे है। अगर आप ये करना चाहते हो ये बढ़िया है, अगर आप आपको वो ट्रेडिशनल मेथड पता आप वो यूज करिए। तो ये पिवोट है, इसकी सहायता से नीचे जीरो बनाओ, तो लास्ट लाइन को बड़ी रख लेना बस, वन फोर वन, लास्ट लाइन को थोड़ी सी बड़ी रखूंगा मैं,
सेकंड में क्या आएगा अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो? जीरो माइनस थ्री माइनस टू, ऊपर एक्स है और वाई माइनस एक्स है, ठीक है। आर थ्री में आर वन ऐड करूंगा, जीरो फाइव थ्री और एक्स प्लस जेड। उसके बाद देखो, एक तो पिवोट ये है, मैं पिवोट कहां चाहता हूं, यहां पर, यहां वन बनाना चाहता हूं, तो सीधा आपने कुछ नहीं करना, माइनस थ्री से डिवाइड कर दो, क्योंकि वन बड़ी आसानी से बन जाएगा यहां पर, और उस वन की सहायता से नीचे जीरो बना लो, क्योंकि आसान रहता है इससे काम, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होती। तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर तो वन फोर वन एक्स ही चलेगा, नीचे जीरो वन टू बाय थ्री, माइनस थ्री से डिवाइड कर रहा था तो वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई बाय थ्री ई आएगा, और नीचे जीरो फाइव थ्री एक्स प्लस जेड ये आ गया, ठीक है। बड़े आसान आसान स्टेप है। फिर देखो, यहां पिवोट है, यहां पिवोट है। अब R3 की सहायता से, R2 की सहायता से इसको जीरो बनाना है, तो 5 टाइम R2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 1 4 1 फिर x है 0 1 2 बाय 3 1 बाय 3 x माइनस 1 बाय 3 y, तो 5 टाइम करेंगे तो 0 0। अब 5 टाइम करो, 3 माइनस 10 बटे 3 माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू 5 टाइम करो, x में से 5 बाय 3 x 3 माइनस 2 बाय 3 x, z में से 5 बाय 3 वाई घटेगा, है ना। हाँ, क्या हो जाएगा, 3z प्लस 5y बाय 3, 3z प्लस 5y बाय 3 प्लस हो जाएगा ना ये। हाँ, कोई मिस्टेक तो नहीं यहां तक? हाँ जी, कोई मिस्टेक तो नहीं किया? हेलो, नो सर। अब मैंने रिड्यूस सिस्टम लिखना है और एबीसी की वैल्यू निकाल देनी है, तो इसका रिड्यूस सिस्टम लिखो, अदरवाइज ट्रेडिशनल मेथड और भी सिंपल है, इसमें एबीसी की वैल्यू निकालना बड़ा सिंपल है, वो जल्दी निकाल लेगा बर की तीनों इक्वेशन से। ये तो ये अगर कोई चारा ना चलता हो फिर लास्ट हथियार यही है कि वो फेल हो जाए, मतलब आपसे कैलकुलेशन ना हो रही हो, कुछ गलती हो रही हो, तो फिर तो वो मेथड बेस्ट है। अब देखो आप इसका रिड्यूस सिस्टम क्या लिखोगे, हम लिखेंगे रिड्यूस्ड सिस्टम इज, चैप्टर थ्री का काम है सारा ये, ए प्लस फोर बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, बी प्लस टू बाय थ्री सी इक्वल टू वन बाय थ्री एक्स माइनस वन बाय थ्री वाई माइनस वन बाय थ्री सी माइनस टू बाय थ्री एक्स प्लस थ्री जेड प्लस फाइव वाई बाय थ्री। मुझे बैक सब्स्टिट्यूशन करना ना, पहले सी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि टू एक्स, ये गलत लिख दिया मैंने, फाइव वाई था, माइनस फाइव वाई माइनस थ्री जेड, ये सी की वैल्यू आ गई। अब सी की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, बी आ जाएगी, बी और सी की वैल्यू यहां पुट कर दो, ए आ जाएगी,
ठीक है, फिर a प्लस सी निकाल लो और b प्लस सी निकाल लो, आंसर आ जाएगा। कर लो आगे काम, करो। मतलब b की वैल्यू c की वैल्यू यहां पुट करो ना, b आ जाएगा, फिर b और c की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये आ जाएगा। निकालो फटाफट, b की आ गई माइनस एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड। b कितनी आ गई, माइनस x, हाँ जी माइनस x प्लस थ्री वाई, हाँ प्लस टू जेड, प्लस टू जेड, यही आई हुई सबकी। यस सर। और a की 3x-7y-5z, अब क्या कर लो, a प्लस सी निकालो, क्योंकि फाइनलिटी एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, a प्लस सी। फिर b प्लस सी निकालो, मतलब इसको और इसको ऐड कर दो,